मेरा पालतू जानवर पर निबंध। प्रस्तावना। ज्यादातर लोग बिल्लियां, कुत्ते, मछलियां, और पक्षियों को पालतू जानवरों के रूप में रखते हैं। ये सभी प्यारे जानवर हैं लेकिन इनमें से कोई भी मेरे पालतू जानवर से ज्यादा आकर्षित नहीं है। मेरे पास पालतू जानवर के रूप में एक बंदर है। इसका नाम चिंपू है। बहुत से लोगों को यह अजीब लगता है और यहां तक कि उनको इसकी वजह से हमारे घर आने में भी डर लगता है। लेकिन मुझे यह पूरी तरह से प्यारा लगता है। कैसे मैंने अपने परिवार को मनाया पालतू जानवर रखने के लिए। मैं हमेशा से बंदरों को प्यार करता था।
और उन्हें पालना चाहता था। मैंने अक्सर फिल्मों में पालतू जानवरों को देखा था। पर मैं वास्तविक जीवन में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जिसके पास पालतू जानवर के रूप में एक बंदर हो। जब मैंने एक बंदर पालने की इच्छा व्यक्त की, तो मेरे माता-पिता इस विचार पर हंस दिए और उन्होंने मेरी मांग को यह कहते हुए खारिज किया कि यह बेफिजूल इच्छा है। हालांकि मैंने जल्द ही उनका भरोसा जीत लिया। और अपने घर पर एक शिशु बंदर ले आया। बंदर का यह बच्चा एक मनुष्य के जितना प्यारा था और मेरे माता-पिता के दिल में जल्दी ही इसने जगह बना ली। मेरे पालतू बंदर की देखभाल करना
क्योंकि किसी को यह पता नहीं था कि हमारे पास एक पालतू बंदर है। और हमें भी यह नहीं पता था कि पालतू बंदर को कैसे पाला जाता है। तो हमने एक पेशेवर मदद के लिए बुलाया। शुरू में एक बंदर ट्रेनर हमारे घर पर चिंपू को हमारे घर के माहौल के हिसाब से प्रशिक्षित करने के लिए आता था। उसने हमें निर्देश दिया कि कैसे हमारे पालतू जानवरों की देखभाल करें। हम जल्दी ही समझ गए कि बंदरों का कैसा व्यवहार होता है। हमने उन्हें शांत रखने और उन्हें क्रोधित करने की चीजों को सीखा। उसने हमें यह भी बताया कि कैसे इसकी सफाई करें। और कैसे इसे खाना खिलाएं। हमने इसी तरह
चिंपू का ख्याल रखना शुरू कर दिया। निष्कर्ष। चिंपू बहुत जोशीला और दोस्ताना है। यह हमारे साथ उस समय से रह रहा है जब यह शिशु था। इस तरह से यह हमारे साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। यह घर पर आए हुए मेहमान को भी प्यार करता है। जब हम सब एक साथ घर पर इकट्ठे होते हैं तब यह बहुत मजे करता है। चिंपू का आसपास होना बेहद आनंददायक है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।